आप ये देख सकते हैं खारी फीडर नहर आज सुबह करीब 6 बजे राजसमंद झील को भरने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा छोड़ी गई हैं। यह अभी पानी फरारा के पास पहुंच चुका है और करीब 2 से 3 घंटे में यह पानी राजसमंद झील में समाहित होगा। अभी आप देख सकते हैं यह खारी फीडर का दृश्य, जिसमें यह अब पूर्ण वेग के साथ में पानी आगे बढ़ रहा है। अभी करीब 3 फीट इस नहर में पानी छोड़ा गया है। अभी यह पानी में कंकड़, पत्थर, कचरा, कूड़ा आप देख सकते हैं। बारिश से पहले जन संसाधन विभाग को पूर्ण रूप से इस खारी फीडर की सफाई की जानी थी और करते भी हैं, लेकिन इनके सफाई करने के दावे, इस खारी फीडर में बहते इस कचरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जल संसाधन विभाग द्वारा इस खारी फीडर की बारिश से पहले या इस खारी फीडर को खोलने से पहले किस तरह साफ सफाई की गई है। खारी फीडर में अभी करीब 3 फीट पानी छोड़ना बताया जा रहा है, लेकिन अभी जैसे ही ये पानी राजसमंद झील में पहुंचेगा उसके बाद इसका जो वेग है वह फ्लो बन पाएगा। फिलहाल कुछ जगह अवरोधक भी हैं, बारिश का पानी पहली बार खारी फीडर में जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और बताया जा रहा है कि दोपहर बाद तक खारी फीडर का पानी राजसमंद झील में समाहित हो जाएगा। धीरे धीरे यह पानी आगे बढ़ रहा है। यह नज़ारा है फरारा के पास खारी फीडर नहर का, जहां पर अब 2 फीट के करीब यह पानी खारी फीडर में चल रहा है और पूर्ण वेग से जब ये खारी फीडर बहती हैं तो 4.5 से 5 फीट तक इस नहर में, इस खारी फीडर में पानी चलता है और राजसमंद झील को भरता है। फिलहाल 1.5 से 2 फीट इस खारी फीडर में पानी चल रहा है और ये राजसमंद झील की तरफ आगे बढ़ रहा है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।